इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा कीबोर्ड नहीं आता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें ये हम बात करने वाले हैं अपने कीबोर्ड के अंदर। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये प्रॉब्लम हमारे रेडमी के फ़ोन्स में आ रही है, तो रेडमी का कोई सा भी फ़ोन हो आप ये प्रोसेस करके उसको आराम से ठीक कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, मैं आप सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। यहाँ से आपको बैक आना होगा और अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आपको जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आपको दिखता है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स मिलेगी, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर उसको बाद आपको मिलता है लैंग्वेज एंड इनपुट, इस पर जाना होगा। देन यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर करंट कीबोर्ड और गूगल वॉइस कीबोर्ड आएगा, तो यहाँ पर करंट कीबोर्ड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर चेंज कीबोर्ड पर क्लिक कर देना है या चूज़ कीबोर्ड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं इसको भी इनेबल कर देना है और देन इसको भी इनेबल कर देना है। यहाँ पर सबको आपको इनेबल कर देना है, मैं इनेबल कर देता हूँ इसको और इसको भी इनेबल कर देना है। अब हम व्हाट्सएप में जाकर इसको नहीं करते हैं, अब मैं व्हाट्सएप में जाकर अपना कीबोर्ड चेक कर लेता हूँ। मैं व्हाट्सएप में दोबारा जाता हूँ वहीं पर जहाँ पर हम थे, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गए, मैं इसको काटता हूँ और दोबारा लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कीबोर्ड जो हमारा आ चुका है, पहले नहीं आ रहा था। तो ये प्रोसेस है कीबोर्ड लाने का रेडमी के फ़ोन्स में। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।